ट्रेन नंबर 15020 डाउन टनकपुर देहरादून एक्सप्रेस फ्रॉम टनकपुर टू देहरादून वाया बरेली मोरादाबाद विल डिपार्ट एट इट्स शेड्यूल टाइम 19 hours 40 minutes फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 2। सो हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक हो गए और एकदम मस्त होंगे। तो यार आज का सीन कुछ ऐसा है कि ये व्लॉग हो रहा है आपका शादी के बाद का। तो फिलहाल आप लोगों ने थंबनेल वगैरह देख ही लिया होगा और अभी मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दीबाजी में और बहुत ही जल्दी जल्दी व्लॉग शूट कर रहा हूँ। और आज हम लोग जाने वाले हैं अपने उत्तराखंड के एक बहुत ही पावन शहर में कह सकते हैं, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल वगैरह में देख लिया होगा। फिलहाल अभी जो हमारी यहाँ से ट्रेन है, यानी कि आज हम लोग जा रहे हैं ट्रेन से, वो 7:40 की है और अभी जो टाइम हो गया वो 7:15 हो गया। तो जल्दी से चलते हैं, देखो आज हमारे साथ कौन आने वाला है। हमारे साथ है हमारे राहुल ब्रो, आए करो जल्दी से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज क्या होता है, लेकिन कुछ ना कुछ बवाल जरूर होगा। बाय। तो अभी फिलहाल हम लोग हैं ट्रेन में, बाकी जो ट्रेन है पूरी खाली है, याली साइड भी ट्रेन की कंडीशन तो सही बना दी। अभी नई नई चले ना यहाँ से देहरादून को, तब उस टाइम बाद अंदर सीटें फटी हुई गंदे, चार्ज काम नहीं करेंगे यहाँ पे। तो पूरा प्लग वगैरह भी है चार्ज करने का मस्त। अभी हम लोग पहुँचे हैं टनकपुर से बनबसा, और बनबसा के बाद फिर अब जो ये ट्रेन है इसका नेक्स्ट स्टेशन होगा खटीमा में। आजा आजा चल गई। चलो लेने लेने नहीं आया। कोई लेने नहीं है। गुड मॉर्निंग मुंबई, सॉरी गुड मॉर्निंग देहरादून। अभी जो टाइम हो रहा है वो सुबह के हो रहे हैं 8:30 और अभी हम लोग पहुँचे देहरादून। बाकी आज हम लोग क्यों आ रखे हैं, किस काम से ले आए हैं, वो आप लोगों को बाद में बताएंगे। अभी मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम करता हूँ। चलो चलो आ जाओ आ जाओ, वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ राहुल। तो गौरव भाई आए हैं वहाँ पे हमें लेने के लिए। राइडर जा साहब, क्या हाल है? मैं ना देहरादून ऑलमोस्ट 4-5 साल बाद आ रहा हूँ। लास्ट टाइम मतलब हम लोग 2019 में आए थे पहली बार भी। उस टाइम पे हम लोग एनडीए एग्जाम देने के लिए आए थे, हमारे दो दोस्त और थे, दो तीन दोस्त उनके संग आए हुए थे। तो देहरादून आने का भी गजब का एक्सपीरियंस रहता है यार। बाकी विक्रम की एक स्टोरी है, मतलब ये है कि जब हम लोग यहाँ उतरे थे ना देहरादून, तो फर्स्ट टाइम मुझे लगा था कि विक्रम कोई बाइक होगी करके, लेकिन विक्रम कुछ इस तरह का था ये टुक-टुक। तो हाँ जी यार, अपन लोग पहुंच गए थे आपका देहरादून। बेसिकली अब मैं आप लोगों को पूरा बताता हूँ कि क्या क्या सीन होने वाला है आगे। अभी वीकली जो है टनकपुर से देहरादून की जो है ट्रेन चल रही है आजकल, सिर्फ हफ्ते में एक दिन चलती है शनिवार को, वो भी शाम को 7:40 पे, और वो सुबह आज उसने हमें छोड़ा था ऑलमोस्ट 8:30 बजे के अराउंड। बाकी अभी मैं जो स्टे मेरा चल रहा है, मतलब जहाँ हम लोग रुके वो हमारे गौरव भैया के रूम के वहाँ पर हैं। तो गौरव भैया को जो लोग नहीं जानते मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये हमारे साथी हैं, ब्लॉगर साथी, अभी ब्लॉग बनाते थे, खटीमा में इनका घर है, बाकी यहाँ अपना स्टडी वगैरह कर रहे हैं, तो इनका रूम यही है। तो आज का स्टे हमारा यही होने वाला है। वैसे आज हमारा रुकने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन प्लान में कुछ चेंजेस हो गए इसलिए आज हम लोग यहाँ रुक रहे हैं। देहरादून वैसे यार बहुत बड़ा तो शहर है यार, ना ये इस वाले एंगल पे, यहाँ पे मसूरी है। अच्छा, याली साइड पे वो जो पहाड़ों में आप लोगों को वैसे अभी दिख नहीं रहेंगे, रात को दिखेगा। फिलहाल अभी हमारा एक जगह जाने का प्लान बना हुआ है, अभी जो टाइम हो रहा है वो आई थिंक मेरे ख्याल से 1 बजने वाला है। बाकी कहाँ का प्लान बना है वो हमारे गौरव भैया बताएंगे।
सहस्त्रधारा बस से जाएंगे। क्या है वहाँ पे नहाने के लिए, मतलब नेचुरल वाटरफॉल कह सकते हैं? फ्री है एकदम, ऐसा कुछ नहीं पेड वेड वाला। वो तो कराया नहीं मैंने। अच्छा, रूम टूर? रूम टूर ऐसी है यार, स्टूडेंट्स का ऐसे ही रहता है भाई। ऐसा रूम तो मेरा भी नहीं है घर में। लाइट जलाता हूँ। ये देखो भाई, राहुल ब्रो यहाँ मस्त लेटे हुए हैं। पढ़ाकू लोग की किताबें हैं वहाँ, बुक्स हैं। देखो ना क्या मस्त रूम है भाई। भाई जिस जगह के लिए निकले थे वहाँ पहुँचते हुए, फिर यहाँ पहुँचे थे। यहाँ देखा भाई, कम से कम 2-3 किलोमीटर का इतना लंबा जाम लगा था, बड़ी मुश्किल से पैदल पैदल आए। और यहाँ देखा तो यहाँ भी कहीं ना कहीं भीड़ हो ही रही है। तो यहाँ पे एक मंदिर भी है बहुत पुराना, प्राचीन दोनों गुफाएं शिव मंदिर करके। ये देखो द्रोणाचार्य ना की वाली साइड पे बहुत शुद्ध पानी आता है, ऐसा गौरव भैया बता रहे हैं हमें। पहाड़ों से और ऊपर से ऐसा लग रहा है जो वो नहीं होती है शिवलिंग, उससे पानी गिर रहा है। एक नहाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है भाई, वो उतनी वहाँ से पैदल आ रहे हैं, वो भी जूतों तक खोल के। ये क्या रोपे? ऊपर रोपे भी है यहाँ पे। नहा के तो आ गए, मस्त मजा आया, लेकिन ज्यादा गहरा भी नहीं होना अभी फिलहाल। यहाँ पे को आए हैं, बंदूक बंदूक से निशाना वगैरह लगा रहे हैं हम लोग। वहाँ वहाँ जिस कैन में अगर हमने निशाना मार दिया तो कैन हमारी हो जाएगी, मतलब हमें माचिस गिरानी है। अभी मार दे एक में, बढ़िया। मैंने 4 ट्राई करे, एक में भी नहीं लगे, क्योंकि हवा से वो उड़े आ रहे हैं, लकड़ी का वो है गुटका। वो अरे वाह, निशाना तो था राहुल भाई का। अरे मार दो, कल सुबह पलवेर निकलना है। अरे अरे मारा क्या? यहाँ पे 6, 6, 12, 2, 14, 15, 2, 17, 3, 20, 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
समझ रहे हो? दो माचिस तो गिराई मैंने, बाकी एक 100 में गया, लेकिन वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। बाकी यहाँ पे दादा है, दादी बड़ा मजा आया यार। बाकी एक और गेम है यहाँ पे, वो यहाँ पे तो लक चला नहीं। बाकी उसके अलावा एक के ये ले आ रहे हैं, और ये तो चलो ये भी मिली है। बाकी ये अमूल ले जा रहे हैं। चलो 250 में थोड़ा मुंह मीठा तो हो ही जा रहा है, क्या करें। चलते हैं आप घर को यार। यहाँ सहजधारा में यही गेम है यार ज्यादातर, ये निशानेबाजी वाले, आर्चरी और कुछ इस तरह की मार्केट है। बाकी कोल्ड ड्रिंक भी है भाई। घर तो नहीं, मतलब उससे पहले पहले पहुंचे अभी, बस में आ रहा था वापसी में भी। उस भर में इतना रश था ना भाई, पूरी भरी हुई थी, उल्टी होने वाली भाई को। नींद आ रही थी, मैं वहीं नीचे बैठी है बस में कोने में जाके। बाकी अभी यहाँ पे को आ रहे हैं, मैंगो शेक पी रहे हैं भाई लोग अपने, मस्त स्टैप भी बनानी है। सो अभी जो टाइम हो रहा है वो 8:32 हो गया है। बाकी मैं वहाँ से आके एकदम सो गया था भाई, बहुत ही खतरनाक नींद आ गई थी मेरे को। अभी उठा, हाथ में धोया, एंड यहाँ पता चला कि गौरव भाई और राहुल भाई तो गायब हो रहे हैं, लेकिन हमारे साथ यहाँ पे को गौरव भाई के रूम पार्टनर है। क्या हाल है आपके? बढ़िया। और ये उत्तरकाशी से हो ना आप? हाँ, उत्तरकाशी। ठीक ठीक। तो फिलहाल अभी खाना खाने के लिए जा रहे हैं। राहुल भाई तो अपना दोस्त है उनके, हैरी भैया मुंशारी बॉयज, उनके वहीं हैं वो। तो हम लोग भी निकलते हैं, खाना ना खाते हैं, और उसके बाद फिर प्लान है कि मतलब खाना खाने के बाद थोड़ा वॉकिंग पे जाएंगे, नाइट वॉक पे थोड़ा घूमने के लिए। क्यों आप लोग तो जाते रहते हो क्या? हाँ यार, हमारा यही अब जाना आना रहता है खाना खाने के बाद एक चक्कर पूरा होता है। अच्छा अच्छा। बाकी यहाँ से एक व्यू आ रहा है, सामने दिखाता हूँ, उतना क्लियर नहीं आ रहा होगा फोन पे। वो पहाड़ों पे लाइटिंग दिख रही होगी आपको, वो मसूरी है। क्लियरिटी आई नहीं रही होगी मुझे पता है, लेकिन जो हम आंखों से देख रहे हैं ना भाई, उसमें तो गजब ही दिख रहा है व्यू यार।
बाकी वैसे प्लान था मसूरी जाने का, लेकिन फिर कभी मौका मिलेगा तो जल्दी जाएंगे। बाकी अभी चलते खाना खा के आते हैं।